दरअसल ना फैक्ट्री में जब मैं काम करता था तो फैक्ट्री के बाद उन्होंने फिर मुझे जो सर निकाल दिया फैक्ट्री से। उन्होंने कहा जी कि आप बस अफसरों शाही की वजह से कि कभी किसी की बात माने किसी की नहीं बात माने, इसकी वजह से उन्होंने मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया। तो फिर मैंने वालों साहब से मशवरा किया, मैंने कहा जी मैं अपना काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने मुझे 10,000 रुपया दिया, 10,000 रुपया लेके मैंने 5,000 रुपया एडवांस दे दिया दुकान लेने का, और 5,000 रुपये मैंने साइकिल पेंचरों का काम शुरू किया। तो तकरीबन 3-4 माह मैंने वो काम किया, तो सामान कम था तो इस वजह से इनकम बहुत कम होती थी, तो कुछ औजार वगैरह मेरे पास थे इसलिए। तो फिर मुझे किसी दोस्त ने बताया कि ये हमारे महल्ले में एक अखवत के काम करने वाला एक लड़का रहता है, तो उससे आप मशवरा करो तो इंशाल्लाह जो है ना कोई अच्छा हो जाएगा। तो मैंने फिर उनसे मशवरा किया, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप दरख्वास्त दें अखवत को। उसमें फिर मैंने इनको लिख के दिया था कि जी मुझे वेल्डिंग प्लांट, क्योंकि मैं वेल्डिंग का एक्चुअली काम कर सकता हूँ, तो मैं साथ में वेल्डिंग का भी अपना काम करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे 15,000 रुपया कर्ज़ा दिया, तो फिर मैं वेल्डिंग प्लांट और वर्मा मशीन लेके आया। उसके बाद फिर मैंने आइसक्रीम की साइकिलें बनाना शुरू की। ये आइसक्रीम की साइकिलें, ये मैंने सर ये देख के यही मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। ये पैड फ्रीज़र हैं, ये आइसक्रीम की साइकिलों में ही यूज़ होते हैं। ये फ्रीज़र की बॉडियाँ वगैरह भी ये मैंने बनाई हैं बिल्कुल। सुबह से ये होता है कि सुबह फजर के लिए उठता हूँ और फजर पढ़ के फिर मस्जिद में थोड़ी सी देर बैठता हूँ और दुकान खोल लेता हूँ। अख़ुवत ऐसे ही लोगों की मदद करता रहे तो ये महरूमियाँ ख़त्म हो जाएं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे यकीन और अपनी मेहनत करते रहें तो इंशाल्लाह कारोबार को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी।